नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है और अब फोकस हो रहा है जिताऊ कैंडिडेट पर, वैसा कैंडिडेट जो जीत हासिल करा सके। और ऐसे में बीजेपी या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से ऐसे कैंडिडेट की खोज भी की जा रही है। अगर ताजा अपडेट की बात करें तो कांग्रेस में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो हैं वो शामिल हो चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द उनकी भी लिस्ट सामने आ सकती है कि ये दोनों कौन से सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बहुत उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो विनेश फोगाट हैं वो अपने गृह क्षेत्र से ही चुनाव में उतर सकती हैं और इसके साथ ही बजरंग पुनिया को लेकर भी पूरी प्लानिंग कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है, क्योंकि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो हैं कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई थी और ये चर्चा तभी शुरू हो गई थी जब उन दोनों की मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी, तभी से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये दोनों कांग्रेस में शामिल होंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कौन सी सीट दी जा सकती है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने से पहले ही 6 सितंबर को रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया। दो दिन पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से दोनों के टिकट को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। काफी समय से चर्चा चल रही थी कि अगर विनेश फोगाट कांग्रेस में आ जाती हैं तो पार्टी उन्हें उनके गृह जिले चरखी दादरी से टिकट दे सकती है। वहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा सीट पर भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां उनका ससुराल है। फिलहाल जुलाना सीट पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के विधायक हैं। वहीं बात बजरंग पुनिया की करें तो चर्चा है कि कांग्रेस उन्हें बादली सीट से टिकट दे सकती है। इस सीट पर पहले से ही कांग्रेस का कब्जा है। एक और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस सीट पर बजरंग पुनिया को उम्मीदवार बनाया गया तो सिटिंग विधायक कुलदीप वत्स के अगले कदम पर भी सबकी नजर रहेगी। विधायक वत्स ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से पिछले दिनों मुलाकात की थी और आगामी चुनाव में अपने टिकट को लेकर चिंता भी जताई थी। दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस शायद बजरंग पुनिया को टिकट ना देकर उन्हें चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपे। एक तरफ विनेश फोगाट अपने ओलंपिक खेल की वजह से चर्चा में हैं, तो वहीं बजरंग पुनिया भी ब्रजभूषण के खिलाफ सड़कों पर उतरकर खबरों में रहे थे। अब दोनों ही पहलवान ने देश की सबसे पुरानी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब इन दो पहलवानों के जरिए ही कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल करना चाहती है और इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने सबसे पहले इन दोनों को अपनी पार्टी में शामिल कराया और अब ये चर्चा है कि बहुत जल्द लिस्ट जारी होगी जिसमें इन दोनों के लिए उस क्षेत्र का भी आवंटन कर दिया जाएगा जहां से ये विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। आपको पता है कि विनेश फोगाट हाल ही में काफी चर्चा में रही थी और बजरंग पुनिया भी चर्चा में है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस को ये बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।